दोस्तों, ये एक फूल की सब्जी है जिस फूल के बारे में आप लोगों को कुछ दिन पहले मैं फेसबुक में इंस्टाग्राम में पूछी थी कि ये कौन सा फूल है। आप लोगों का प्यारा सा जवाब मुझे इस रेसिपी को बनाने में मजबूर कर दिया। दोस्तों, इसको सनई का फूल बोलते हैं हिंदी में। सनई का फूल मतलब जूट फ्लावर, जूट मतलब जिससे रस्सी बनती है। पीला पीला फूल के साथ ये देखिए पतले पतले उसके जो मतलब जो फल है। दोस्तों, ये जो फूल है ना, ये डायबिटिक और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। ऐसे भी इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू, आप इसको चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं। और ये फूल बनाना बहुत आसान है, इसमें बहुत सी सब्जियां बनती है, पकौड़े भी बनते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सी शॉर्टकट वाली सब्जी लेके आई हूँ, जिसको आप दाल चावल के साथ मजे से एंजॉय कर सकते हैं। तो एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए एक छोटा सा लहसुन लिया है, इसे छोटी छोटी कलियाँ वाली, 10 से 12 कलियाँ लहसुन होगा, और 2 हरी मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, उसके साथ 2 बड़े चम्मच हम पीला सरसों लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सारी सामग्रियों को अच्छे से महीन पेस्ट में बना लेंगे। आप चाहें तो काला सरसों भी ले सकते हैं, पीला रहे हैं तो 2 बड़ा चम्मच लीजिए, काली सरसों ले रहे हैं तो 1/2 छोटा चम्मच मतलब 1/2 बड़ा चम्मच लीजिए। अभी एक पैन लेंगे, जिसमें एक आलू, जिसको मैंने पूरा बारीकी से लंबाई में काट के धो लिया है, उसको डाल देंगे। एक प्याज, उसको भी पतले लच्छे में डाल देंगे। जो सरसों का मसाला बनाया था उसमें 2 बड़े चम्मच, ये कौन सा चम्मच मैं यूज कर रही हूँ जिसमें हम खाना खाते हैं, तो उसी चम्मच से 2 बड़े चम्मच पहले हम सरसों डालेंगे, अगर कम पड़ा तो फिर ज़्यादा डालेंगे। 1/4 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, और उसके साथ 1/2 छोटे चम्मच नमक डालेंगे। नमक डाल के 2 हरी मिर्च, अगर मिर्च ज़्यादा तीखा है तो आपने मसाले में भी पीसा था इसको चीरा मत लगाइए, साबुत डाल दीजिए, फ्लेवर में काम आएगा, बहुत ही स्वाद बढ़ जाता है। बस 1 कप पानी डालेंगे, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, या फिर जब मिक्स करने के बाद इसे डुबोएं तो पानी बस ऊपर तक दिखे लेकिन सब्जी डूबे ना, उस तरह बस पानी डालेंगे। और अब पानी डालने के बाद 2 बड़े चम्मच कच्चा सरसों का तेल ऊपर से डालेंगे, और उसके ऊपर जो सनई का फूल है उसको मैंने धो के ले लिया था, अच्छे से धो लिया था और छान के रखी थी, तो उसको ऊपर से डाल देंगे। और डालने के बाद अब चलते हैं हम गैस की तरफ। ये जो सब्जी है ये एक साथ मिला के बनाने वाला है, इसमें कोई मसाला भुनना नहीं है, कुछ नहीं करना है। मैं बताई थी ना, बहुत ही इजी सी एक सब्जी लेके आई हूँ। गैस ऑन करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और पैन को गैस पे चढ़ा देंगे। उसके बाद इसको क्या करना है, ढक्कन लगा के बस 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि इसको हमें कोई मिक्स नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना है। और 5 मिनट बाद आप देखिए उबल के फूल भी सिकुड़ने लगा है। अब इसको हम हल्का सा मिक्स करके ऊपर से नीचे कर देंगे। देखा जाए तो इसको बिल्कुल भी मिक्स किया नहीं जाता है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और धीमी आंच पे पकते पकते वो जो मसाला पानी है पूरा सूख जाती है। मुझे आपको दिखाना है, उसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ढक रही हूँ और बीच बीच में निकाल के उसको मिक्स कर रही हूँ। नमक चेक कर रही थी, परफेक्ट है। अभी फिर से 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, ऊपर को ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इस जगह पे एक टमाटर लेंगे और उसको ऐसे लंबाई में पतले पतले लंबाई लंबा स्लाइस में काट के उसको डाल देंगे। डाल के इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ढक के और 5 मिनट के लिए पूरा लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो टमाटर है सॉफ्ट हो जाए और उसका जो स्वाद है सब्जी में आ जाए। अब 5 मिनट बाद ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। अभी दोस्तों पानी पूरा सूख चुका है, अगर आप बीच में देखेंगे तो पानी बिल्कुल नहीं है, साइड से हल्का हल्का दिख रहा है। मैं मिक्स करके भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल नहीं है ना। अब इस जगह पे हमें क्या करना है, ऊपर से जो कच्चा सरसों का तेल है वो 1 बड़ा चम्मच और डालना है। इससे ना बड़ा अच्छा एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सब्जी अभी परोसने के लिए तैयार है।
दाल चावल के साथ ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, कभी आप भी ट्राई करके देखिए। शहरों में आजकल सनई का फूल मिलता नहीं है। जब मैं मार्केट में देखी तो मुझे लगा इसको लेके आपके लिए कुछ रेसिपी बनाना चाहिए। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत जल्दी इसकी पकौड़े की रेसिपी भी लेके आऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।